ध्यान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं कि कैसे आए थे भगवान श्री राम के पग के तलवे में ये चारों चिन्ह अर्थात कमल, ब्रज, अंकुश और ध्वजा। दोस्तों, कवि तुलसीदास जी ने अपने लिखित रामचरितमानस में लिखा है, ललित अंक कुल साधिक चारी, अर्थात भगवान राम के पग तलवे में चार चिन्ह अंकित हैं, कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि प्रभु श्री राम के पग के तलवे में ये चिन्ह आए कैसे। पहले बात करते हैं कमल की। दोस्तों, पूर्व कल्प में गज के पैर को ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने अपने मुख से पकड़ लिया। मगरमच्छ हाथी को खाना चाहता था। दर्द से हाथी कराह उठा और चिल्लाने लगा। अपनी सूंड में एक कमल पुष्प लेकर हाथी भगवान को पुकारने लगा, हे कमलपति, कमल नयन, भक्त वत्सल, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भक्त की वेदना सुनकर भगवान से सही नहीं गई। भगवान नंगे पांव दौड़ के गज के पास पहुंच गए और गज को ग्रह से बचा लिया। भगवान को समर्पित करने के लिए गज अर्थात हाथी के पास सूंड में कमल पुष्प तथा भक्ति, ये दो चीजें ही थी। उसने बड़े प्रेम से दोनों वस्तुएं प्रभु को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु ने उस भक्ति रूपी कमल को अपने पांव के तलवे में स्थापित कर लिया और गज से बोले, ये भक्ति रूपी कमल हमारे पांव के तलवे में अनंत काल तक रहेगा। भगवान के पग का दूसरा चिन्ह है वज्र। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, वही एक वृक्ष उगाया जो गुड़हल के नाम से जाना गया। उसने भगवान विष्णु जी को धूप से बचाने के लिए अपनी छाया विष्णु जी पे कर दी और 10,000 वर्षों तक लगातार भगवान पे पुष्पों की बरसात करता रहा। लेकिन भगवान ने अपने नेत्र नहीं खोले। यह देखकर वृक्ष को क्रोध आ गया। उसने पुष्पों को पत्थर रूप में परावर्तित करके भगवान विष्णु पे बरसाने लगा। अचानक भगवान विष्णु जी के नेत्र खुल गए। भगवान का सारा शरीर घायल हो गया था। विष्णु जी ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि उसे वरदान दिया। भगवान ने उस वृक्ष को भक्ति का वरदान देके पत्थर रूपी पुष्पों को अस्त्र में परिवर्तित करके वज्र बना दिया और भगवान वृक्ष से बोले, हे भक्ति रूपी पुष्प, वज्र हमारे पांव के तलवे में तुम्हारी निशानी के रूप में अनंत काल तक रहेगी। तीसरा है अंकुश। दोस्तों, नारायणी के नाम से एक नाग कन्या थी जिसने भगवान विष्णु की निराहार रहकर 50,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। नाग कन्या की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और कन्या से वर मांगने को कहा। कन्या बोली, प्रभु मैं सदा आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपके साथ रहकर आप पे आने वाली हर मुसीबत तथा दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का हनन करना चाहती हूँ। बस हमको आपसे यही वर चाहिए। कन्या की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को अंकुश रूप परिवर्तित करके अपने पग के तलवे में स्थापित कर लिया। तो ये था दोस्तों भगवान राम के पग तलवे में चिन्ह का रहस्य। और चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहता है उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।